हेलो हेलो कुछ खास परेशानी की वजह से लग रहा है कि मैं आप लोगों से दूर हो गया था। कुछ नेटवर्क की भी कमी हो सकती है। लोग दोबारा जुड़े तो मैं अपना कुछ एक और बातों पे बात रह गई है, जैसे कि ब्लैक फंगस पे हम लोगों ने अपना बात शुरू किया था, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ लोग जुड़ जाएं, क्योंकि बीच में हम लोग का तार टूट गया था, ये लिंक ख़त्म हो गया था और दोबारा सब लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा समय दिया जाए और इसके बाद हम लोग ब्लैक फंगस पे बात करेंगे। और ब्लैक फंगस अभी काफ़ी फैल रहा है हर जगह और काफ़ी इसके केसेस आ रहे हैं। और ब्लैक फंगस को अभी हाल ही फ़िलहाल बिहार गवर्नमेंट ने एपिडेमिक डिजीज़ का दर्जा दिया है और ब्लैक फंगस के लिए बिहार में कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें मेरा भी इंस्टीट्यूट है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स पटना, PMCH और NMCH को ब्लैक फंगस के लिए नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा, आपको देखा जाएगा और आगे के लिए सलाह दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे ब्लैक फंगस और डायबिटीज के लिए, मैं बात कर रहा था कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट से बचें। तो सेल्फ ट्रीटमेंट से बचने का एक अभी जस्ट जो ये आया है कि अत्यधिक जिंक के चलते ब्लैक फंगस देखा गया था। जिन लोगों ने अत्यधिक जिंक का सेवन किया उन लोगों में ब्लैक फंगस जो है वो ज़्यादा देखा गया। तो हम लोग को एक चीज़ समझना होगा कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, जिंक का सेवन कितने दिनों तक करें और कितना करें। जिंक की एक दिन में एक ही टैबलेट खानी है, जिंक की टैबलेट एक दिन में एक ही खानी है और इसका सेवन 15 से 20 दिन ही करें। आपके सिम्टम आने से 15 से 20 दिन ही इसका जिंक का सेवन करें और जिंक का सेवन करें और समुचित मात्रा में एक संतुलित आहार लें। वो आपके शरीर के हर मिनरल्स के को बैलेंस करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करना है, डायबिटिक पेशेंट्स सावधानी बरतें। हर घर दौरा चौराहे पे और हर जो भी क्वैक्स हैं, जो घरेलू इलाज कर रहे हैं, उन लोगों ने धड़ल्ले से स्टीरॉयड्स का यूज किया इस महामारी में, उन लोगों का भी बहुत योगदान है इस चीज़ में, इस चीज़ को बढ़ाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिविटी उन लोगों ने नहीं रखा है, उन लोगों ने बहुत सारी बीमारियों पर बहुत सारे ग्रामीण भाई बंधुओं को उन लोगों ने बहुत मदद भी किया है। लेकिन स्टीरॉयड का जुडिशियल यूज, स्टीरॉयड का प्रॉपर यूज बहुत ही ज़रूरी है। स्टीरॉयड 5 दिन के बाद ही, अगर शरीर में साइटोकिन का स्टॉर्म होता है, अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है कि शरीर में 5 दिन के बाद बुखार सर्दी खांसी मेंटेन है और 5वें दिन के बाद ज़्यादा आ रहा है या बढ़ रहा है, तो ही स्टीरॉयड का सेवन करना है। तो उसका अत्यधिक यूज से भी ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ी। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि एक्सेसिव ट्रीटमेंट एक वन ऑफ द रीजन आ रहा है ब्लैक फंगस का। पोस्ट कोविड पेशेंट जिनको कोविड हो चुका है वो कैसे जानेंगे कि उनको ब्लैक फंगस है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण है आपको आंख का लाल होना, आंख से पानी आना, सर में दर्द होना, आंख के किनारे सूजन होना, नाक से पानी आना, नाक से काले रंग का तरल पदार्थ का स्राव होना और
सर में दर्द होना, मुंह में किनारे किनारे छाला पड़ना और मुंह के अंदर भी कालापन आना और सर में दर्द होना, ये और कभी कभी आंखों की रोशनी भी बहुत अत्यधिक तेजी में जा रही है, ये मुख्य लक्षण आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस के लिए ट्रीटमेंट बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोग मुझसे मिले जिन लोगों ने कहा कि क्या ये लाइलाज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ऐसा नहीं है, एम्फोटेरिसिन भी और भी कुछ ड्रग्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, काफ़ी अच्छा असर भी आ रहा है, लेकिन इसके लक्षण को पहचानना होगा और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में मिलना होगा। यहाँ भी सेल्फ ट्रीटमेंट से आप लोगों को बचना होगा और हॉस्पिटल्स में मिलना होगा। सारे ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल है। ब्लैक फंगस के बाद हम बात करना चाहेंगे कि वैक्सीन के बाद या फिर कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब हम क्या करें, घर पे कैसे रहें और कैसे अपना बचाव करें। संतुलित, मैंने पहले बात किया कि तनाव से बचें, न्यूज सुनने का, जो हम लोग का घर पे लॉकडाउन के चलते लोग अत्यधिक न्यूज सुन रहे हैं जिससे तनाव बढ़ रहा है। न्यूज चैनल्स केवल निगेटिव चीज़ों को, केवल तो नहीं लेकिन बहुत सारी निगेटिव चीज़ों को हाईलाइट्स कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को कम हाईलाइट कर रहे हैं जिनसे आपका तनाव बढ़ सकता है। तो न्यूज़ सुने क्योंकि बहुत सारी उसमें अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, न्यूज़ सुनना ज़रूरी है, लेकिन उसका एक समय रखें कि किस समय से किस समय तक हमको न्यूज़ सुनना है और कब नहीं सुनना है। तो एक निश्चित समय रखें, सुबह और शाम हम न्यूज़ को जानेंगे। और साइंटिफिक चीज़ें जो कोरोना वायरस के बारे में हैं उनको ज़्यादा इंटरनेट से सर्च न करें, वो भी एक आपके तनाव का विषय हो सकता है। तीसरा, आप तनाव से बचने के लिए संतुलित आहार लें। पाँच से छः बहुत छोटे छोटे आहार मैं उन लोगों को लेने के लिए हम लोग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जो कोविड से अभी निकले हैं, क्योंकि उनको उनमें खाना खाने की प्रवृत्ति कम है, खाना खाने की इच्छा कम है और कमजोरी ज़्यादा है। तो 5 से 6 बार छोटा छोटा खाना लें। और आटे का जो इस्तेमाल करते हैं वो अगर मिक्स कर सकें, जैसे गेहूं और चना और मकई और ये सब, तो रफेज का अमाउंट खाने में बढ़ाएं तो उनको अच्छा प्रभाव मिलेगा। प्रोटीनिशियस फूड, जो भी प्रोटीन वाले फूड हैं, जो मांसाहारी हैं वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शाकाहारी हैं दूध का, सोयाबीन का और इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत अनाज का इस्तेमाल करें, साबुत अनाज में चना, मूंग, सोयाबीन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। प्रोटीन के साथ साथ आपको विटामिन सी भी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अंकुरित अनाज जो है, जो होलसम सीड है जो कि अंकुरित हो गया है, उसमें विटामिन बी, विटामिन सी के काफ़ी अच्छे सोर्स हैं, जिंक भी होता है उसमें, और उसका सेवन करें। छोटे छोटे आहार लें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, न्यूज से बच के रखें, जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे बच के रखें, घर में रहें, खुली सांस लेने के लिए आप अपने छत और अपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अपने सामाजिक सरोकार में ऑडियो और वीडियो कॉल का इस्तेमाल करें, न कि हाथ मिलाने का और मिलने का किसी से आमने सामने कोशिश करें। जो घर में वृद्ध हैं वो कम से कम सबसे दूरी बना करके रखें, जो भी पॉजिटिव लोग हैं या जिनमें भी थोड़ा भी आपको लग रहा है कि लक्षण है उनसे बना करके रखें। और बहुत लोगों का सवाल है कि जिंक फूड में बढ़ाने के लिए क्या करें। मैंने अभी बताया कि साबुत अनाज जो है वो जिंक की मात्रा आपको शरीर में देगा, और प्रोटीनिशियस फूड लीजिए। मिनरल्स मेनली अवेलेबल हैं ड्राई फ्रूट्स में और साबुत अनाज में और वेजिटेबल्स में। तो ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों से आपको जिंक मिलेगा। अगर वो जिनमें लक्षण आए हैं, जो बीमार हो चुके हैं, वो 15 से 20 दिन तक जिंक का इस्तेमाल करें, मैक्सिमम 1 महीने तक जिंक का इस्तेमाल करें। इसके बाद जांच के आधार पर अगर आपके शरीर में कमी हो तभी करें। विटामिन डी का भी अत्यधिक यूज ये कोरोना काल में देखा गया है। विटामिन डी का अगर मैं बता दूं, विटामिन डी का कमी शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, देहाती क्षेत्रों में कम होता है, क्योंकि वो धूप में निकलते हैं, विटामिन डी कोलेकैल्सिफेरॉल उनका बन जाता है। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इसकी कमी देखी गई है, बहुत सारे मरीज देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए
कोरोना काल में ये संभव नहीं था कि सबका जांच करा के तब विटामिन डी दिया जाए, क्योंकि जांच की भी कमी थी। इसलिए हम लोगों ने केवल 2 से 3 डोज लेने के ही लोगों को बोला कि 60,000 का जो विटामिन डी का डोज है वो 2 से 3 ही आप लें। लेकिन बहुत लोगों ने अत्यधिक सेवन किया और हाइपर विटामिनोसिस के भी केस आ रहे हैं। अत्यधिक काढ़ा पीने से भी बहुत लोगों को अल्सर होने का भी बीमारी सामने आ रहा है। तो किसी भी चीज़ के अत्यधिक प्रभाव से आप बचें, अत्यधिक यूज ना करें और आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अगर मेरे तरफ से कभी भी कोई आप लोगों को कोई झिझक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इस पेज के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं और डाल सकते हैं। आप लोग का विटामिन सी ज़्यादा खाने से ब्लैक फंगस, मुझे एक सवाल आया है कि क्या विटामिन सी ज़्यादा खाने से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। अभी तक इस तरह के कोई प्रूफ नहीं मिले हैं हम लोग को कि विटामिन सी ज़्यादा खाने से किसी को ब्लैक फंगस हुआ है। देखिए, अगर जो लोग पॉजिटिव आ चुके हैं वो 1 महीने तक विटामिन सी का सेवन करें सुबह से शाम तक, और जो लोग पॉजिटिव नहीं आए हैं वो भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आहार के माध्यम से विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नींबू का सेवन करें, मौसम्बी का सेवन करें, नारंगी का सेवन करें, ऑरेंज का सेवन करें, इन सब चीज जो भी विटामिन सी के रिच सोर्स हैं उनका आप सेवन करें, उससे शरीर में उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। अभी आम का सीजन है, कच्चे आम में भी विटामिन सी का भरपूर सोर्स है। अभी आप घर में, अभी गर्मी भी है, आप घर में पन्ना बना के पी सकते हैं। इसमें जो है आपको जरूरी मिनरल्स भी मिलेंगे और विटामिन सी भी आपको मिलेगा। और कोई अगर आप लोग का कोई सवाल है तो मैं उसको ये करना चाहूँगा। ब्लैक फंगस के बारे में मुझे लग रहा है कि मैंने सारी जानकारी, जो भी एक जनरल नॉलेज की जो बात थी ब्लैक फंगस की, वो मैं, मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। फिर भी अगर आप लोगों को ब्लैक फंगस या किसी रिलेटेड कोई भी हो तो आप लोग दे सकते हैं, कोई भी अगर सवाल हो तो दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप लोगों ने इस समाज को हमेशा एक आईना दिखाया है, और मुझे उम्मीद है ये समाज को आप लोग अभी भी एक नया डायरेक्शन देंगे। लोग इस तनाव से निकलेंगे, और हर रात के बाद सवेरा होता है, हर रात के बाद सुबह होती है। इसी हौसले के साथ लोग इसे लड़े हैं और लड़ेंगे, और इससे हम लोग जीतेंगे। बहुत